अजमेर के पास एक ट्रेन के 4 डिब्बे सोमवार सुबह पटरी से उतर गए। हालांकि घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, रेलवे के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। हादसा अजमेर के पास मदार यार्ड में अजमेर सियालदा ट्रेन के खाली रैक को रखरखाव के लिए ले जाते समय हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे PRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि सोमवार सुबह गाड़ी संख्या 12988 का खाली रैक रखरखाव के लिए अजमेर के पास मदार यार्ड में ले जाया जा रहा था, तभी इसके 4 डब्बे पटरी से उतर गए। PRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। रैक खाली थी, इसलिए किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल गाड़ियों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ है। गौरतलब है, बीते दिन बलोत्रा के समदड़ी रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन का पहिया पटरी से उतर गया था। जोधपुर से पालनपुर जाने वाली डेमो पैसेंजर ट्रेन समदड़ी स्टेशन से कुछ दूर पहले ही पटरी से उतर गई, जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन को अचानक ब्रेक लगाने से ट्रेन पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि स्टेशन पहुंचने से पहले गाय के अचानक ट्रेन के सामने आ जाने के बाद लोको पायलट ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पहले ट्रेन के आगे के 2 पहिए पटरी से उतर गए। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ है। आज दिनांक 25 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 12988 का खाली रेक, जो कि मेंटेनेंस के लिए अजमेर के पास मदार यार्ड में जा रहा था, उसके 4 डब्बों का अवपथन हो गया। घटना का सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी त्वरित कार्रवाई की और वो घटनास्थल पर पहुंचे। रेलमेंट का कार्य भी शुरू हो गया है, और चूंकि ये खाली रेक था इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई, कोई भी माल की क्षति नहीं हुई है, और घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। रेलमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। वहां पे हमने टेम्पररी सिंगल लाइन की व्यवस्था भी कर दी है, इसलिए कोई भी गाड़ियों का संचालन भी प्रभावित नहीं हुआ। संरक्षा को लेकर के उत्तर पश्चिम रेलवे कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, और हमारा पूरा प्रयास है कि इन सब घटनाओं पर हम नियंत्रण करके यात्रियों को एक संरक्षित एवं सुरक्षित रेल सेवा प्रदान कर सकेंगे।